दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि उसके पास में अच्छी हेल्थ हो, लेकिन दुख की बात तो ये है कि आजकल के बिगड़ते खानपान और अनहाइजीनिक हैबिट्स के कारण बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनके पास में अच्छा स्वास्थ्य है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के द्वारा जारी की गई हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत अच्छी सेहत के मामले में 195 देशों में 145वें स्थान पर है। इंडिया की रैंकिंग हेल्थ के मामले में इतनी डाउन होने का एक मुख्य कारण हाइजीन संबंधित मिस्टेक्स हैं। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा था कि जिसके पास अच्छी हेल्थ नहीं है उसके पास सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग रोजाना कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिससे उनकी हेल्थ पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है, और वक्त निकलने के बाद वो कहते हैं, काश मुझे इन हाइजीन मिस्टेक्स के बारे में पहले किसी ने बताया होता तो शायद आज मेरी बॉडी हेल्दी होती। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 10 उन मोस्ट कॉमन हाइजीन मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो हर कोई अपनी डेली लाइफ में जाने अनजाने में कर रहा है। धोऊं या ना धोऊं, जा नहीं धोता ऐसे सबसे हाथ मिलाऊंगा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और इसका खामियाजा उन्हें फ्यूचर में भुगतना पड़ेगा। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके पास अच्छी हेल्थ हो, आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपको किसी भी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत ही ना पड़े, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटॉन, सो लेट्स बिगिन। नंबर 10, टेकिंग टूथपेस्ट मोर ऑन द ब्रश। दोस्तों, आप में से मिनिमम 70% लोग तो ये गलती करते ही होंगे। आप सोचते हो कि हम ब्रश पर जितना ज़्यादा टूथपेस्ट लेंगे हमारे टीथ उतने ही ज़्यादा उतने ही जल्दी क्लीन होंगे, मजबूत बनेंगे, लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जितने भी टूथपेस्ट होते हैं उनमें सोडियम फ्लोराइड और प्रोपिलीन ग्लाइकोल जैसे हानिकारक केमिकल्स का उपयोग किया जाता है जो कि हमारे मुँह में झाग बनाने में मदद करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सोडियम फ्लोराइड का उपयोग चूहे मारने वाले पॉइजन बनाने में किया जाता है, और जब आप टूथपेस्ट को मटर के दाने के बराबर लेने के बजाय ज़्यादा मात्रा में लेते हो तो इससे आपके दांतों के मसूड़ों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा करने पर आपके दांत मजबूत नहीं होंगे, उल्टा इससे आपके दांतों की चमक और चली जाएगी और मसूड़े कमज़ोर हो जाएंगे। इसीलिए अगली बार जब भी आप ब्रश करो तो याद रखना कि टूथपेस्ट मटर के दाने के बराबर ही होना चाहिए। नंबर 9, टचिंग द फेस विदाउट वॉशिंग हैंड्स। दोस्तों, आजकल अधिकांश लोगों के चेहरे पर पिंपल्स देखने को मिल जाते हैं। चेहरे पर पिंपल्स का आना इसी अनहाइजेनिक हैबिट का परिणाम हो सकता है। जब भी हम सुबह सोकर उठते हैं तो मैक्सिमम लोगों की आदत होती है कि उठने के तुरंत बाद बिना हाथ धोए चेहरे को टच करते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम रात को सोते हैं तो हमारा हाथ बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर टच होता है, जिससे हमारे हाथ के कॉन्टेक्ट में बहुत सारे सूक्ष्म कीटाणु या बैक्टीरिया आ जाते हैं, और जब हम हाथों को वॉश किए बिना चेहरे पर टच करते हैं तो हमें स्किन से संबंधित कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। चेहरे का ग्लो चला जाता है और पिंपल्स आ जाते हैं। इसके साथ ही दूसरी बीमारी होने के चांसेस भी बने रहते हैं। इसीलिए अगली बार जब भी आप सोकर उठें तो सबसे पहले अपने हैंड वॉश करें, उसके बाद ही हाथों को अपने फेस पर लगाएं। नंबर 8, ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। कई सारे लोगों को ठंडा पानी पीने की आदत होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फ्रीज का ठंडा पानी पीने के बाद आपके शरीर की 72% कैलोरीज बर्न हो जाती है। दरअसल जब आप ठंडा पानी पीते हो तो आपके शरीर को उसे वापस से गर्म करना पड़ता है। पानी को नॉर्मल टेम्परेचर तक लाने में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी चीज़ तभी डाइजेस्ट हो पाती है जब उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। आयुर्वेद में कहा गया है कि इंसान के शरीर में वात पित्त कफ के असंतुलन यानी इम्बैलेंस के कारण ही रोगों का जन्म होता है, और जब आप फ्रीज का ठंडा पानी पीते हो तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी स्लो हो जाता है और त्रिदोष यानी वात पित्त कफ में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, जिससे आपकी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। इसीलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो पानी आप पी रहे हो वो ना तो ज़्यादा ठंडा हो और ना ही ज़्यादा गर्म। नंबर 7, ड्रिंकिंग वाटर जस्ट आफ्टर ईटिंग फूड। दोस्तों, आयुर्वेद में कहा गया है कि पेट से ही सारी बीमारियों का जन्म होता है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा करने से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र पर बहुत बुरा असर पड़ता है। दरअसल खाना खाने के तुरंत बाद हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अन्य डाइजेस्टिव जूसेस का स्रावण होता है जो कि भोजन को पचाने का कार्य करते हैं, और जब आप बहुत अधिक मात्रा में पानी पी लेते हो तो इससे डाइजेस्टिव जूस डाइल्यूट यानी पतला होने लगता है और भोजन सही से पच नहीं पाता है। छोटी आंत पोषक तत्वों को अवशोषित यानी अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो ओवरऑल इससे आपकी हेल्थ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो अगली बार इस बात का विशेष ध्यान रखें कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं। थोड़ा पानी पी सकते हो, लेकिन बहुत अधिक क्वांटिटी में पानी का सेवन आपके पाचन तंत्र को कमजोर बनाएगा। नंबर 6, नोट चेंजिंग टूथब्रश रेगुलरली। दोस्तों, कई सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो 20-30 रुपए बचाने के चक्कर में अपने दांतों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं।
एक्सपर्ट्स के अनुसार आपको प्रत्येक 2 महीने में अपने टूथब्रश को बदल लेना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग तब तक टूथब्रश को नहीं बदलते जब तक कि उसकी जी जान ना निकल जाए। जब आप लंबे समय तक एक ही टूथब्रश का उपयोग करते हो तो इससे आपको कई सारी डेंटल समस्याएं हो सकती है, इसीलिए आपको 2 महीने में एक बार तो टूथब्रश बदलना ही चाहिए। नंबर 5, स्लीपिंग इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग। दोस्तों, हमारे देश में ओबेसिटी यानी मोटापे की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, और इस प्रॉब्लम के पीछे कहीं ना कहीं हमारी इस अनहाइजीनिक हैबिट का भी हाथ है। कहा जाता है कि सोने के 2 घंटे पहले ही हमें डिनर कर लेना चाहिए, लेकिन आज भी कई सारे लोग जाने अनजाने में ये गलती कर देते हैं। दरअसल जब आप खाना खाने के तुरंत बाद सो जाते हो तो इससे भोजन जो है वो आमाशय से ऊपर आहार नली में आ जाता है, और इसके साथ ही पाचन क्रिया भी मंद हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप सीने में जलन, मोटापा और कई तरह की अन्य हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। इसीलिए आपको सोने के 1 से 2 घंटे पहले ही डिनर कर लेना चाहिए। नंबर 4, नॉट क्लीनिंग थिंग्स दैट यू यूज एवरी डे। दोस्तों, 90% से ज्यादा लोग ये गलती करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजें जैसे आपका मोबाइल फोन और किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस के रिमोट में 1 करोड़ से भी ज्यादा माइक्रोबैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जो अगर आपकी बॉडी में एंटर कर जाएं तो आपके प्रतिरक्षा तंत्र को, इम्यून सिस्टम को कमजोर बना सकते हैं। इसीलिए आपको रिमोट को, मोबाइल फोन को टाइम टू टाइम सैनिटाइज करना चाहिए। नंबर 3, यूजिंग सेम टॉवल फॉर एवरी वर्क। दोस्तों, बहुत से लोग अक्सर ये गलती करते हैं। वो एक ही टॉवल से अपना शरीर भी साफ कर लेंगे, इसके साथ ही खाना खाने से पहले अपने हाथ भी उसी तौलिए से पोंछ लेंगे, लेकिन आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। हाथ पोंछने के लिए अलग कपड़ा होना चाहिए, एक ही टॉवल का उपयोग मल्टीपल कामों में ना करें। नंबर 2, क्लीनिंग द फेस इन रॉन्ग मैनर। दोस्तों, फेस यानी चेहरे को साफ करने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है। बहुत से लोग चेहरे को टॉवल से बहुत जोर जोर से साफ करते हैं। आपको केवल टैप करना है, रगड़ना बिल्कुल नहीं है। फेस को रगड़कर साफ करने से आपके चेहरे पर रिंकल्स यानी झाइयां आ सकती है, और इसके साथ ही स्किन संबंधित कई सारी अन्य प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकती है। नंबर 1, डोंट ब्रशिंग टीथ एट नाइट। दोस्तों, अधिकतर लोग दिन में केवल एक बार ही ब्रश करते हैं, लेकिन आपको नाइट में सोने से पहले भी ब्रश करना चाहिए। डिनर के बाद अक्सर हमारे दांतों में भोजन के अवशेष शेष रह जाते हैं, जो कि हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए आपको 2 टाइम ब्रश करना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप ये वीडियो में बताई गई कोई भी गलती कर रहे हो तो उसे आज से ही छोड़ दो, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। आज आपको लग रहा होगा कि यार, इन छोटी छोटी गलतियों से आखिर क्या होगा, ये गलतियाँ हमारी हेल्थ पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। बट ट्रस्ट मी दोस्तों, अगर आप ये गलतियाँ बार बार दोहराते हो तो इसका खामियाजा आपको फ्यूचर में भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट।